सोयाबीन किसानों को बुआई के समय तो कुछ भी हाथ नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने प्रण जरूर लिया था कि चाहे अब कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, अपनी सोयाबीन को अब और नीची कीमतों पर नहीं बेचेंगे। ऐसे में किसानों ने अपनी सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू किया। किसानों के सोयाबीन को स्टॉक करने से सोयाबीन में तेजी बनी थी। जैसे ही सोयाबीन में कुछ तेजी बनी, किसानों में एक उम्मीद जागी कि अब सोयाबीन के दाम उन्हें कुछ अच्छे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सोयाबीन में तेजी बनने की उम्मीद किसानों में जागी, वैसे ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी और अब धीरे धीरे कई राज्यों में अपने पैर पसार भी रहा है। ऐसे में सोयाबीन किसानों में असमंजस का माहौल बन गया है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सोयाबीन रोकें या बेच दें। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वस्त किया है कि देश के किसानों के हित में सोयाबीन के तेल रहित खल यानी कि DOC का आयात नहीं होगा। इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। अगर सोया DOC का आयात नहीं होता है तो ये सोयाबीन किसानों के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं होगा। वैसे सोपा ने अपने आंकड़े जारी करते हुए कहा था कि इस बार सोयाबीन का उत्पादन लगभग 119 लाख टन होने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 14% ज़्यादा है। वहीं सरकार का सोयाबीन उत्पादन का आंकड़ा सोपा से भी ज़्यादा है। अगर इनके आंकड़ों के अनुसार चला जाए तो जब सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बताया जा रहा है तो फिर सोया खली के आयात की ज़रूरत ही क्या है। और वैसे भी जब सरकार ने सोया खली का आयात किया था तब सोयाबीन MSP के आधे से भी नीचे कीमतों पर बिकती नजर आई थी। तब पोल्ट्री ने सोयाबीन की खरीद क्यों नहीं की? तब पोल्ट्री ने सोयाबीन का स्टॉक क्यों नहीं बनाया? सोयाबीन किसानों का पोल्ट्री से ही काफ़ी बड़ा सवाल है। पोल्ट्री जो चाह रही थी वो तो हो ही गया था, तो फिर पोल्ट्री ने सोयाबीन का स्टॉक क्यों नहीं किया? ऐसे में अगर सरकार सोया खली का आयात करती तो सोयाबीन किसान फिर से डूब जाते और आगे चुनाव भी हैं। और हाल ही में सरकार ने कृषि कानून वापस भी लिए हैं। ऐसे में जानकार सोयाबीन में आगे तेजी की ही संभावना बता रहे हैं। जानकारों के अनुसार सोयाबीन किसानों को अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हालात को देखकर ही खरीदारी और बिकवाली का फैसला लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।